नमस्ते। होली का त्योहार आ गया है, सबके घर में कुछ ना कुछ चीजें बनती रहती हैं, तो आज मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए रबड़ी मालपुआ। मालपुआ बड़े हो या बच्चे हो, सबको बहुत पसंद आता है और बहुत आसानी से बन भी जाता है। चलिए बनाते हैं। मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया है, एक कटोरी चीनी है, दूध है एक गिलास। इसको मैं फेंट के दिखाऊंगी। अब इसके मैंने पानी में चीनी को सिरप बना लिया है, घोल लिया अच्छी तरह से इसको। आप लोग भी इसी तरह से चीनी की घोल बना लीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है। इसी में मैंने एक गिलास दूध डाल रही हूँ। मैंने इसी में सौंफ और इलायची जो पीस के रखी थी वो डाल रही हूँ। इलायची को पीस लीजिएगा आप लोग, सौंफ को मत पीसिएगा, इसको खड़ा ही अच्छा लगता है। इसमें मैं मैदा एक कटोरी जो ली थी थोड़ा थोड़ा डाल के मैं एक घोल बनाऊंगी। आप लोग बराबर चलाते हुए घोल बनाइए, आपके घोल में लम्स न पड़े। देख रही होंगी मेरा घोल बनके कितनी अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। इसको ज्यादा पतला भी नहीं रखना, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, इसी कंसिस्टेंसी में आप लोगों को रखना है। आप लोग जितना इसको फेटेंगी इतनी अच्छी तरह से मालपुआ अच्छी तरह बनके तैयार होगा आपका। इसी में मैंने थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डाल दिया था। आप लोग को इसी तरह घोल रखना है, चमचे की सहायता से बनाइए। आप लोग देख रही हूँ मैं चमचे से उठा के दिखा रही हूँ। अब मैं कढ़ाई रख दी हूँ, इसमें रिफाइंड डाल दी हूँ, ऊपर चिली से मैं इसी तरह से डालूंगी। आप लोग इसी तरह से पलट लीजिएगा इसको। अगर बहुत थोड़ा पलटने में परेशानी होती है तो दो चम्मच ले लीजिएगा, उससे आराम से पलट जाएगी। मालपुआ मेरी कितनी अच्छी तरह से फूल रही है। फ्लेम इसको ज़्यादा हाई मत करिएगा, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पे ही इसको बनाइएगा। इसी तरह आप लोग चमचे की सहायता से मालपुआ को आराम से बना सकती हैं। मेरा मालपुआ हो चुका है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ।
मेरे मालपुए बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाऊंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है मालपुए का। इसको रबड़ी के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसको रबड़ी के साथ सर्व करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैंने रबड़ी की वीडियो डाल दूंगी। रबड़ी डाल के खाने में इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे मालपुए की रेसिपी अच्छी लगे, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऊपर से केसर ऐड कर रही हूँ इसमें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए। कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी।